सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्री सोशल साइंसेस बाय विशाल। सो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का जो भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस में मैंने अभी पेट का एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखा था कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है यूपी ट्रिपल एससी पेट की। बट अभी कल इवनिंग में यूपी ट्रिपल एस सी ने आपका पेट का जो 2023 का जो था वो परसेंटाइल या स्कोर डिक्लेयर कर दिया। जब से डिक्लेयर हुआ है जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनके माइंड में भी बहुत ज़्यादा डाउट एंड क्यूरियसिटी चल रही है, जो अदर मीन्स जो प्योर वाले हैं उनके माइंड में तो चली रही है। तो इसी को मैं डिस्कस करूँगा कि क्या सिचुएशन बन रही है और जैसे स्टूडेंट के माइंड में आ रहा है सेफ स्कोर को लेके कि मान लीजिए AGTE की वैकेंसी आती है तो हमारा क्या सेफ स्कोर होगा। एक और वैकेंसी सुनाई पड़ रही है जैसे लोअर PCS की, तो लोअर PCS में भी एग्रीकल्चर की स्पेशल वैकेंसीज होती हैं तो उसका भी जो आपका कट ऑफ रहेगा वो अलग रहेगा जो सबका, क्योंकि स्पेशल वैकेंसी रहेगी जो एग्रीकल्चर वालों की उसमें रहेगी, जो उसमें ऐड रहेंगे पद जिसकी BSc AG एलिजिबिलिटी मांगी जाएगी। तो इसी को डिस्कस करूंगा मैं। जैसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो पेट 2023 का है उसमें कैंडिडेट के स्कोर कितने स्कोर पे क्या उनका परसेंटाइल बना है। आप देखेंगे पेपर बहुत डिफिकल्ट था, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है, हर स्टूडेंट ने दिया है। अगर वो प्योर का भी स्टूडेंट है उसने भी डिफिकल्टी झेली है, जो SSC CGL की प्रिपरेशन कर रहा है उसको भी डिफिकल्टी आई इस पेपर में। अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और अगर आपने 30 प्लस स्कोर किया है ना तो यू आर बेस्ट, मतलब आप अच्छे प्रिपरेशन में हो। अब ये आपके माइंड में नहीं आना चाहिए, आप नंबर को ना देखिए कि आपके नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हैं, ये नहीं आपको देखना है। आपको परसेंटाइल देखना है कि आप कितने स्टूडेंट से आगे हो। परसेंटाइल मीन्स आप 12 लाख के स्टूडेंट ने फॉर्म डाला, एग्जाम दिया था, ये आपको पता है 12 लाख कुछ ने एग्जाम अपीयर किया था और इतने लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो उसमें अगर आप 80% पे आ रहे हो तो मीन्स आप सिर्फ 20% जो स्टूडेंट उसमें से आपसे आगे हैं 12 लाख का। आप जो 79% स्टूडेंट थे जो एग्जाम में अपीयर हुए तो वो आपसे पीछे हैं, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। और नो डाउट पेपर डिफिकल्ट था, आप जितना भी स्कोर किए हो अगर आपने 10 या 15 20 भी स्कोर किया ना तो आप थोड़ा सा भी अपने आप को डिमोटिवेट और आपको होपलेस नहीं होना क्योंकि एग्जाम अनएक्सपेक्टेड था ये। तो ये चीजें हैं। जैसे अभी हम लोग देखते हैं अभी एक मार्क्स था 37.37 पे जो परसेंटाइल स्कोर बना है 89.75, मतलब 89.75 इसका जो ये बना है परसेंटाइल मीन्स 37 नंबर ला के लड़का ये 89% स्कोर कर रहा है, इससे सिर्फ 11% आ गए हैं जो स्कोर किए। और इसकी जो अप्रॉक्स रैंक एनालिसिस करने के बाद बन रही है वो 1,28,000, मतलब 1,28,000 के पास इसकी रैंक अप्रॉक्स आ रही है। अब समझ लो 37 नंबर पे, तो 37, 35, 34 ये जितने नंबर हैं 88, 87% के पास हैं। और जो 30 के पास वाले स्टूडेंट हैं उनका जो परसेंटाइल 70, 75 ऐसे बन रहा है, तो वो भी बेस्ट है भाई एग्रीकल्चर में। अब एक नॉर्मलाइज स्कोर था अपने पास 42 पॉइंट, मतलब 42.6 पास, 42 मार्क्स पे जो परसेंटाइल बना 95.18, मतलब 95% बना है 42 मार्क्स पे। एक नॉर्मलाइज स्कोर 40 था उसका जो बना है आपका परसेंटाइल 93.36% बना है, मीन्स इसकी अगर रेखा इसकी जो रैंक देखी जाए 93% वाले की 83,000 के पास रैंक आज की आ रही है ऊपर, जो 95 वाला था इसकी 70 या 65 हजार इसकी रैंक आ रही। अब एक मार्क्स अपने पास था 54.07 मार्क्स था, उसकी जो रैंक आई है 99.44 रैंक आई, इसकी अप्रॉक्स जो रैंक है वो 7 से 8,000 के पास, मतलब 7 to 8,000 के पास इसकी रैंक, मतलब 7 से 8,000 के पास इसकी रैंक बन रही है 54 मार्क्स पे। एक मार्क्स अपने पास था 57.79, मतलब 57.5 नंबर था इसका जो परसेंटाइल 99.8% बना था, 99% और उसका जो रैंक अप्रॉक्स बन रही है 2500 इसकी रैंक बन रही है ओवरऑल इतने स्टूडेंटों में। अभी एक मार्क्स था, एक्चुअल मेरा वो छोटा भाई है उसका 67 मार्क्स है, वो प्योर CGL वगैरह प्रिपरेशन करता है, सब मेंस वगैरह भी दिया है वो,
67 मार्क्स पे उसके 99.98 ऐसे परसेंटाइल बन रहा है। उसकी जो अप्रोक्स रैंक आ रही है ना वो 1800-1900 के रैंक के आसपास, उसकी 2000 के नीचे उसकी रैंक आ रही है। तो आप समझ लीजिए जब उनका ये हाल है तो ये रैंक आपको परसेंटाइल देखना है। और अगर आप सेफ स्कोर की बात करते हो ना एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट, तो आपका जो सेफ स्कोर है अगर आप एग्जाम में अपीयर हुए हो तो आप सेफ हो। सबसे बड़ा इस बार क्या खेल हुआ है कि बहुत से स्टूडेंटों ने ये श्योर हो चुके थे कि हमारी 22 से वैकेंसी हमको देखने को मिलेगी, और वो पेट का फॉर्म डाले, कुछ एग्जाम नहीं देने गए, कुछ फॉर्म ही नहीं डाले, बस क्या है कि 22 के पेट से आ जाएगी वैकेंसी, इस चक्कर में रह गए वो। और जो चीजें अनएक्सपेक्टेड होती हैं, और आप भी ये मत सोचिए कि 23 से, मैं कह रहा हूं हो सकता है कि पहली वैकेंसी आपकी आ जाए या दूसरी वैकेंसी आ जाए, वैकेंसी आ जाए, वैकेंसी आएगी तो बहुत लंबा समय मिलेगा आपको, 6 से 8 महीने 1 साल आपको मिल जाएगा एग्जाम देने में, इतना मिनिमम मिलेगा। इतना जल्दी एग्जाम नहीं पीटीपीएससी आपका एग्जाम करवा देगा, वो भी एग्रीकल्चर वालों का 6 महीने 8 महीने 1 साल बाद करवाएगा। उसके लिए आप हो सकता है आपको धरना देना पड़े, ट्वीट करना पड़े, तब आपका एग्जाम। तो आप इसको लेके आप एग्जाम दिए, जो भी एक नंबर भी आया ना आप रिलैक्स रहिए, आपको अगर आएगा तो आप शॉर्टलिस्ट किए जाओगे मेंस के लिए। आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको आप करते रहिए, उसको मत छोड़िए। ये तो आप छोड़िए, रख दीजिए, हाँ हो गया मैंने एग्जाम, आप दे आए थे, आप अपीयर हो गए, कितने भी मार्क्स लाए। और जो नहीं दिए थे, अब उनका तो पता नहीं क्यों नहीं दिए, क्या उनको सिक्योरिटी लगी या क्या, हो सकता है उनका अलग कुछ इंटेंशन रहा हो इस वजह से नहीं दिए। जो 22-21 दिए थे, नहीं दिए हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथों में नहीं है, क्योंकि अब नया पेट आएगा तो आप दीजिएगा। और कहीं दूसरी जगह आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जैसे बिहार की प्रिपरेशन कर लीजिए, DSSB की प्रिपरेशन कर लीजिए, झारखंड की प्रिपरेशन कर लीजिए, किसी और एग्जाम को टारगेट करिए। अब नहीं दिए हैं तो उसमें क्योंकि कोई आप कुछ कर नहीं सकते उसमें ना, तो आप ये चीज़ है, तो ये चीज़ है मैं कह रहा हूँ। अगर आप एग्रीकल्चर देखिए AGTE के लिए अगर सेफ स्कोर की बात की जाए तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर सब सेफ, मतलब एग्जाम में आप बैठे हो बस आप नेगेटिव ना रहो, यही होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम लड़के नहीं दिए हैं, बहुत एग्जाम दिए होंगे तो एग्रीकल्चर वाले जो होंगे ना, बहुत मैक्सिमम 60-65 हज़ार एग्जाम दिए होंगे, मैक्सिमम ये दिए होंगे, इतना दिए नहीं होंगे। तो आप अगर 3,034 वैकेंसी आती तो आप जाओ, सब सेफ हो। तो ये चीज़ है, जैसे लोअर की वैकेंसी तो अभी पहले 2 से 3 महीने पहले ही पता चला था कि लगभग 1200 पोस्टों का अध्याचन आ चुका है UPSSC के पास, तो अध्याचन बढ़ेंगे। मैं कह रहा हूँ 1000+ अगर वैकेंसी आती है तो हो सकता है उसमें 50-60-70-80 स्पेशल वैकेंसी हो, 40-50 आपको एग्रीकल्चर वालों की वैकेंसी देखने को मिले, तो उसकी एलिजिबिलिटी BSC AG रहेगी, तो उसी के बेसिस पर उसका कट ऑफ जाएगा, समझिए आप। और उसके लिए जो आपका सेफ स्कोर होगा ना, अगर 50-60-70 वैकेंसी आती तो आप अगर 25 से 30 नंबर किए हो ना तो उसमें भी आप सेफ रहोगे, ये क्लियर है, 100% क्लियर। तो आप देखो वीडियो को मैं एंड करता हूँ, आप एग्जाम दियो, जो नहीं दिए हैं वो नहीं दिए हैं तो आप पैनिक मत होजिए, आप बहुत ज़्यादा सोचिए मत, आपका किस्मत नहीं रहा होगा, क्योंकि आप 22 पेट दिए थे, वैकेंसी आना होता तो आप उसी मिल गया होता। अब इसमें भी जो भी स्टूडेंट दिए आप वेट करें, जब वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो भी दूसरे और एग्जाम है ना उनको आप पढ़ते रहें, इसको लेके बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना और ना ही बहुत ज़्यादा रूमर मचाना, ये पेट हर साल होता रहेगा और पेट आता जाता रहेगा, तो पेट से आपकी ज़िंदगी नहीं, हो सकता है कि भाई वैकेंसी देखने को मिल जाए तो वो चीज़ें नहीं आपको पता था, आपका लग नहीं रहा होगा, तो इसको छोड़िए, आगे बढ़िए। जो भी आपके एग्जाम है, जितने भी आपके मार्क्स आए हैं, आप एग्जाम दिए हों तो आप श्योर रहो आप AGTE में बैठोगे। अगर 25 और 30+ आप स्कोर किए हो तो लोअर पीसेस में अगर आपको स्पेशल वैकेंसी आती उसमें भी आपको मौका दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने फ्रेंड तक जूनियर तक जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।